नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष मोबाइल। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के कीपैड फ़ोन के बारे में, जो कि पासवर्ड अनलॉक करते समय या फिर फ्लैशिंग करते समय अगर डेड हो गया है तो उसको UMT से कैसे रिकवर करें, उसी के बारे में आज हम बताएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, पूरा देखिएगा। फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि 100% टेस्टेड है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कैसे होता है। ये सैमसंग E1200 वाला है, जो कि मेरेकल से फ़ोन लॉक हटाने के चक्कर में ये मेरा डेड हो गया था, जिसको हम DMT से रिकवर करेंगे। ये देखिए बैटरी पूरा चार्ज है, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है फोन। पहले ऑन हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। इसको UMT से कैसे करेंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिएगा। UMT ओपन करने के बाद आपको फ्लैश मोड में जाना है, उसके बाद जेनेरिक CPU, इसको वैसे रहने देंगे। यहाँ जॉब में जाना है, राइट फुल फ्लैश, उसके बाद एक्सिक्यूट करेंगे। जहाँ भी आपका फाइल रखा हुआ है वहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको बिना बैटरी लगाए हुए ये बीच वाला उसका बूट की दबा के डाटा केबल लगा देना है। स्टार्ट राइटिंग हो गया है, नहीं फेल्ड हो गया, कोई नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे दोस्तों। फिर से निकालना है, फिर से वही प्रोसेस, फिर से फाइल को लोड करेंगे एक्सिक्यूट, फिर जहाँ फाइल रखा है वहाँ से लोड करेंगे फाइल को, फिर वही सेम प्रोसेस। फ्लैशिंग करने में कोई दिक्कत नहीं रहा था दोस्तों, सिर्फ आपका ड्राइवर बराबर से इंस्टॉल होना चाहिए। ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है, इस बार हो रहा है पूरा। ये फ्लैशिंग कंप्लीट होने देते हैं दोस्तों, देखते हैं कि फोन ऑन होता है कि नहीं। फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप देखते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। ये आपको केबल निकाल लेना है, उसके बाद बैटरी इंसर्ट करनी है और फिर चेक करते हैं ऑन होता है कि नहीं फ़ोन।
जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों 100% फ़ोन ऑन हो गया है, जो कि फ़ोन लॉक हटाने के चक्कर में ये डेड हो गया था मिरेकल से। मिरेकल का क्रैक वर्जन था वो, UMT से इसको रिकवर किया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसीलिए एक लाइक कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।